इसराइल हमास युद्ध का 39वां दिन है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। एक तरफ है अत्याधुनिक हथियारों से लैस इजरायली सेना, दूसरी तरफ है हमास की गुरिल्ला लड़ाके। अमेरिका की मदद से जिस तरह से इसराइल इस युद्ध में दमखम के साथ उतर रहा था, माना तो ये जा रहा था कि ये जंग चंद दिनों में ही सिमट जाएगी, लेकिन गाजा पट्टी में हमास ने जिस तरह से मोर्चा संभाला है, उसे यही लगता है कि युद्ध का भयंकर रूप अभी बाकी है। अब तो हमास की मिलिट्री विंग भी करारा जवाब दे रही है। ईरान इराक के प्रॉक्सी संगठनों की मदद से हमास की मिलिट्री विंग अल कसाम ने कुछ ऐसे हथियार बनाए हैं जो अमेरिका को भी चौंकाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हालांकि नए हथियारों के इस्तेमाल की शुरुआत इसराइल ने की थी। आयरन डोम जो जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइलों से लैस होता है, F-16 लड़ाकू विमान जो रडार पर आए बगैर 2172 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन के खेमे में तबाही मचा देता है, बड़कावा टैंक, 8 सैनिकों की मदद से जमीन को रौंदने वाला ये दैत्य एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च करने की भी कुवत रखता है। इसराइल हमास की जंग जो अब अरब बनाम अमेरिका का रंग ले चुकी है, इस युद्ध भूमि में एक से बढ़कर एक ऐसे खतरनाक और विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है जिनके बारे में अब तक लोगों ने केवल सुना था, समझा था, लेकिन अभी तक देखा नहीं था। अभी तो ये आगाज था। जैसे जैसे लड़ाई अंजाम की तरफ बढ़ती जा रही है, हमास और इसराइल के तर्कश से नए नए हाहाकारी वेपन सामने आ रहे हैं। तेरह नवंबर की दोपहर को IDF ने हमास के एक अड्डे को नष्ट करने के लिए वो हथियार भी इस्तेमाल कर लिया जिसे 2006 से अभी तक बचा कर रखा था। इसका नाम है M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जिसे डिफेंस की दुनिया में MLRS के नाम से जाना जाता है, जिसे IDF के 334वें आर्टिलरी बटालियन के 282वें रेजिमेंट से लॉन्च करके गाजा पट्टी में हमास के एक अड्डे को तबाह कर दिया गया। M270 MLRS को अमेरिका ने विकसित किया है। ये एक साथ कई रेंज की मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है। इसका पहला इस्तेमाल 1991 के खाड़ी युद्ध में किया गया था। रूस यूक्रेन लड़ाई में इसके आधुनिक वर्जन का इस्तेमाल किया गया। इजरायली सेना ने M270 MLRS का सबसे पहले इस्तेमाल 2006 में किया था। उस समय भी निशाना गाजा पट्टी में हमास का ठिकाना था और इस बार भी। ये कहानी यही खत्म नहीं होती। हमास इजरायल युद्ध जंग का एक ऐसा मैदान बन गया है जहां हर रोज एक नए हथियार का प्रयोग हो रहा है। इसमें अगला नाम है अल यासीन 105 एंटी टैंक रॉकेट। ये तस्वीर उस समय की है जब गाजा सिटी के अल मुख्तार इलाके में इसराइल का ताकतवर टैंक बरकावा गश्त लगा रहा था। तभी सामने से हमास के कुछ लड़ाके आए और एक RPG की मदद से टैंक को उड़ा दिया। ये कोई और RPG नहीं बल्कि अल यासीन 105 एंटी टैंक मिसाइल थी। अल यासीन 105 एंटी टैंक रॉकेट को हमास ने खुद तैयार किया है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर है, लेकिन इससे 150 मीटर से हमला घातक साबित होता है। इसे हमास के मिलिट्री विंग अल कसाम ने तैयार किया है।
इसराइल के टैंक इन दिनों गाजा पट्टी की गलियों में घूम रहे हैं। ऐसे में अल यासीन 105 एक बड़े हथियार के तौर पर सामने आया है, जिसके आगे बड़े से बड़े टैंकों की भी कोई बिसात नहीं। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक नया मोड़ लेती है। यकीन नहीं होता तो ये वीडियो देखिए। जब ताकत की मद में चूर इसराइल के शक्तिशाली टैंक जमीन को रौंदते हुए दौड़ते जा रहे थे, फिर रॉकेट के एक ही हमले से लोहे का चलता फिरता किला पल भर में ध्वस्त हो जाता है। इस हथियार का क्या नाम है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इससे भी हमास के मिलिट्री विंग अल कसाम ने तैयार किया है। फिलहाल इसे टीबीजी मिसाइल का नाम दिया गया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि ये अल यासीन 105 का सबसे घातक अवतार है, जिसे खास तौर पर आबादी वाली जगह और इमारतों में हमले के लिए तैयार किया गया है। मतलब यह है कि हमास इसराइल जंग अब हथियारों की होड़ में तब्दील हो चुकी है, जिसका एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा संहार और तबाही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।